हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। तो यार बात करते हैं चेहरे को लेके। चेहरा जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, उसका मतलब आपके रंग रूप से नहीं है, लेकिन जैसा भी है उसमें ग्लो होना चाहिए, थकावट नहीं होनी चाहिए, साफ होना चाहिए, निशान नहीं होने चाहिए। और मेरे चैनल पे यार आज तक आपने पिगमेंटेशन को लेके जितनी भी वीडियोस देखी हैं, चाहे वो मेलेज्मा है, पिगमेंटेशन है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। और इवन उनमें से जिन भी लोगों ने वो रेमेडीज करी और वो ओपीडी में आके यानी क्लिनिक पे आके मुझे बताया कि मैम इतना इफेक्टिव है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में यार मेरी मेहनत सफल है, मतलब आप लोगों के लिए रंग ला रही है वो चीज। तो आज की जो मैं रेमेडी लेके आई हुई है, जो छोटा सा हैक है, पिगमेंटेशन को लेके है या मेलेज्मा, बहुत क्रॉनिक हो चुका है, पूरा फेस कवर हो गया है, यहाँ पे कवर हो गया है, पूरे फेस पे मतलब बहुत भयंकर ब्लैकनिंग हो गई है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, अंडर आईज, लिप्स के सराउंडिंग में, मतलब कहीं भी स्टार्ट हो गया, उसमें बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज मेरी मिनी किचन में छोटी छोटी चीजें हैं, एलोवेरा जेल है, राइस पाउडर है, ये पोटैटो है और ये टोमेटो है, छोटा सा मेरे पास कद्दूकस है। मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से यूज करना है और कैसे रेमेडी ये प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले जितना टाइम आप इसको प्रिपेयर करने में लगाएंगे, आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है इस तरह से, और अपने फेस को जो है प्रॉपरली वॉश करने के बाद इसे अप्लाई करना, और इस तरह से लेके एलोवेरा जेल को, अगर आपके पास प्योर एलोवेरा है, घर पे जो प्लांट होती है, आप उसके भी जेल को इस तरह से पूरे फेस पे धीरे धीरे डैप करना स्टार्ट करोगे, इस तरह से, इस तरह से। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आपके स्किन को रीजनरेट करने में, नरिश करने में बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है, और इस तरह से आपको इसको एब्जॉर्ब करवाना है अपने पूरे फेस में। धीरे धीरे करके मैं इसको अंडर आई के पोर्शन पे, नोज पे, लिप्स के सराउंडिंग पे, फोरहेड पे कवर करना स्टार्ट कर रही हूँ, और ये 30 सेकेंड हार्डली टेक्स, और ये पूरा मेरा जो है फेस पे एब्जॉर्ब हो गया है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आऊंगी सेकेंड स्टेप की तरफ, और उसमें आपको क्या करना है, आधा चम्मच लेना है राइस पाउडर, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राइस पाउडर बहुत अमेजिंग वर्क करता है हमारी स्किन के लिए। तो ये मैंने इकट्ठा बना के रख लिया है। पिगमेंटेशन यार बहुत सारे कारण है, हम धातु क्षय बोलते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को डेवलप होता है, किसी को किसी डिजीज के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है, तो और अगर एक्चुअल कॉज देखा जाए ना, तो इडियोपैथिक है, कॉज नहीं पता। कई बार किसी की सब चीज सही है फिर भी डेवलप हो रहा है, फिर भी उसमें डेवलप हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बीटरूट का बताया था कि बीटरूट कितना अच्छा काम करती है इस पे, ठीक है, आप उसका पेस्ट अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। उसी के साथ आपको क्या करना है, कद्दूकस लेना है और एक आलू लेके उसको इस तरह से आपको कद्दूकस करना है। तो ये मैंने आज आपके सामने ही कर रही हूँ, सो दैट आपको पता चले, क्योंकि मुझे इसका फ्रेश जूस निकालना है, ठीक है। ये लगभग एक चम्मच मुझे जूस चाहिए, तो ये मेरा इतना जो है ये प्रिपेयर हो चुका है। और ये तो अब मैं अगर इसको हाथ में लूँ और मैं इसको निचोड़ के देखूँ, तो लगभग इसमें देखिए एक चम्मच मेरा फ्रेश जूस तो ईजिली निकल गया। ये और ये मेरा पेस्ट जो है रेडी हो गया। ये मैंने जो वेस्ट था इसको मैंने साइड में रख दिया, ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। और ये मेरा जो है मिक्सचर रेडी हो चुका है इस तरह से। तो आपने सिंपल राइस पाउडर में जो है पोटैटो का फ्रेश जूस निकालना है और उसको बना के रखना है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बना के आप एक साथ नहीं रख सकते हो, आपको डेली फ्रेश ही बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे आप एक बार बना के रख दोगे, वो वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, और वो है टोमेटो। तो धीरे धीरे करके अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे टोमेटो को भी ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आप ग्राइंड करते जाओ। टोमेटो में भी यार जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होता है ना, वो हमारी स्किन को बहुत ग्लो देता है, विटामिन सी रिच है। ये मैंने इस तरह से इसकी प्यूरी बना ली, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इस पेस्ट को भी इसमें ऐड करना है इस तरह से। तो ये देखिए कि आपका जो राइस पाउडर है उसमें तीन मैंने चीजें ऐड की हैं,
और ये आपका पूरा मिक्सचर इस तरह से रेडी हो गया, जिसमें मैंने पोटैटो का जूस ऐड किया है फ्रेश, टोमेटो की प्यूरी ऐड की है, प्लस राइस पाउडर। अब इसको कम से कम ना मैं 5 मिनट के लिए अच्छे से हिलाऊंगी ताकि ये मिक्स हो जाए, अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज करना है और ये किस तरह से हमारी स्किन पे वर्क करेगा। अच्छा, इसको बताने के बाद सबसे पहले तो थैंक यू उन लोगों का, जैसे यार आप लोग विजिट करते हो और मतलब बहुत लोगों ने ये चीज का कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैम जिस तरह से आप हमें समझा रहे हो रेमेडीज, मतलब हमें इतना अच्छा लगता है आपके बात करने के तरीके से, हमें लगता है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहां तक लेके आया है, उपासना की दुनिया को इतना आगे लेके जा रहा है। अगर आप लोग प्यार ना देते तो शायद आज हम यहां ना होते आप लोगों के बीच में। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखो। अगर आप अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक यार जरूर क्या करो, क्योंकि व्यूज के अकॉर्डिंग ना लाइक बहुत कम है और लाइक कम रहेंगे तो एंगेजमेंट उतनी नहीं मिल पाती है। तो अब करते हैं स्टार्ट। ये पेस्ट ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है रेडी, अब मुझे इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे। तो यहां से मैं, जिन लोगों में, अच्छा कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि मैम अगर पिगमेंटेशन नहीं है क्या हम यूज कर सकते हैं? अगर पिगमेंटेशन नहीं है फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग हो गई है, स्किन पे अनइवन टोन है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यार ये मैं आपको लगा के पूरा इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहां से इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि 3 डे ग्लोसी चैलेंज हम लेके चलेंगे अपनी स्किन पे भी और आपकी स्किन पे भी। तो ये इस तरह से, ये भी एक उसमें स्किन को नरिश करेगा स्लोली स्लोली और बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। तो ये मैंने कर लिया है फेस पे अप्लाई। तो यार होता क्या है ना कि हम मानिए आज इस टॉपिक पे वीडियो देख रहे हैं और हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम पीछे उठा के वीडियोज नहीं देखते कि क्या उस चैनल पे उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज हैं या नहीं। मैंने कोशिश की, इस चैनल पे अभी तक 100+ वीडियोज हैं और उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कवर किए। इवन एक टॉपिक पे आपको 4 से 5 वीडियोज मिलेंगी। तो आप लोग जब कमेंट सेक्शन में डालते हैं, जैसे मानिए आज फेस को लेके, तो आप बोलेंगे कि पिंपल के लिए मैम, एक्ने के लिए मैम, वेट लूज के लिए, वेट गेन के लिए, तो उसके लिए आप पुरानी वीडियोज जाके देखें, कोई ना कोई टॉपिक आपके रिलेटेड जरूर मिलेगा जिसपे आपकी क्वेरी है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो आप प्लीज जो नंबर दिया गया इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको रिवर्ट आएगा, क्योंकि यार इंस्टेंट रिवर्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरी टीम के लिए भी, तो वो हम नहीं दे पा रहे हैं, उसमें आपको 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप होम रेमेडीज के लिए उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं अननेसेसरली कॉल, तो प्लीज मत कीजिए, क्योंकि इवन मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे सिर्फ 7 कॉल आई, मैम प्लीज रिद्धि से बात करवा दीजिए, ये मैम अरुण सर से बात करवा दीजिए। आप सोचिए कि वो हमारा ऑफिशियल नंबर है, वहां पे हम पेशेंट्स टैकल कर ले इतना बहुत है, तो प्लीज थोड़ा सा आप इन चीजों के लिए कॉपरेट करिए। क्योंकि और छोटे छोटे बच्चे कॉल कर रहे हैं यार, आज छोटे छोटे बच्चों ने कॉल की थी, तो मतलब थोड़ा सा ये चीज मेरे लिए ना ऑकवर्ड हो रहा है। तो आपको हेल्थ रिलेटेड है आप कभी भी करिए, पर इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करिए। तो इस तरह से इस पेस्ट को आपको लगा के रखना है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आपको स्क्रब करके स्लोली स्लोली इसे वॉश करना है और देन आप उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बोला ही था 3 डेज हम भी बराबर बराबर रेमेडीज करते जाएंगे, तो ये होम रेमेडी इन पे भी चल रही है पूरी। तो जैसे कि मैंने बताया, फेस वॉश कर लिया मैंने 20 मिनट्स के बाद, नेचुरल ग्लो है, आपको डिफरेंस भी दिखेगा। फर्स्ट उसके बाद जब आप टच करोगे, टच से ही आपको डिफरेंस फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो है। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जब मेरे पास आते हैं ना क्लिनिक, मैम आपकी तरह स्किन चाहिए, यार कोई स्पेशल स्किन नहीं, वाटर इनटेक अच्छा लो, रेमेडीज आप फॉलो करो, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा। कभी कभी मैं भी यूज करती हूँ, ज्यादातर मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, तो आप उस रूटीन को फॉलो करो, आपको अपने आप डिफरेंस दिखने लगेगा, ब्राउन स्पॉट्स में, पिगमेंटेशन में, मेलिज्मा, जो मैंने आपको पूरा रूटीन बताया है। तो यार इसी तरह इस रेमेडी को आप फॉलो करो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, शाम के टाइम पे इसको आप फॉलो करो, रात को सोने से पहले या इवनिंग में, जब आपको उसके बाद डस्ट के कांटेक्ट में ना जाना हो, बाहर ना जाना हो। 20 मिनट्स लगाने के बाद धीरे धीरे स्क्रब करके आप अपना फेस प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। तो इसी तरह उपासना की दुनिया को प्यार देते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।